आ रहा है यार। हाँ क्या करें यार, बहुत देर हो गई है ना। वो देखो आ रहा है, उसे लिफ्ट मांगो। मांगो ना सर। सर सर रुकिए सर, प्लीज सर रुकिए सर, हमने सबसे लिफ्ट मांगी, किसी ने नहीं दी सर। प्लीज हमें लिफ्ट दे दीजिए ना सर, प्लीज। हाँ सर। हाँ सर प्लीज। कहाँ जाना है? उस मंदिर के पास जाना है सर, प्लीज सर। प्लीज सर। ठीक है बैठ जाओ। थैंक्स सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। चलो 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 ना। हाँ सर। चलिए सर। चलो चलो। ओके गर्ल्स, अब मैं चलता हूँ। थैंक यू सर। या वेलकम, नाइस टू मीट यू, बाय। सर आप भी आइए ना सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे काम है। आइए ना सर। चलिए ना। सॉरी गर्ल्स, मुझे जाना है। ओके। वो आइए ना सर। आइए ना सर। आइए आइए आइए। मेरे बालाजी भगवान, आज का धंधा चकाचक करवा दो भगवान। अपने दान की पेटी की तरह मेरी पेटी भी भर दो भगवान। बालाजी भगवान, आज तो आपने कृपा कर दी, मेरी बोनी कराने के लिए किसी आदमी को भेज दिया। ये तो बोनी करवाने की जगह बोर्ड को क्यों देख रहा है? ये चाय पिएगा क्या? ये चाय की दुकान है क्या? बोर्ड में तुमको बिरयानी का दुकान लिखा हुआ दिखा। पढ़ना आता तो सवाल ही क्यों करता? अबे अनपढ़ है तो फिर बोर्ड को एक घंटे तक क्यों घूर रहा था? चाय है या नहीं? चाय है, लेकिन तेरे पास पैसा है या नहीं? मेरे पास सिर्फ चिल्लरी है। चाय के दुकान में सिर्फ चिल्लरी चलती है। तो फिर चाय बना दे। पीछे क्या देख रहा है? बाकी तीन लोग कहाँ है वो देख रहा हूँ। क्यों, चार लोग होंगे तभी तू चार चाय बनाएगा क्या? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर बनाना। ठीक है बना देता हूँ। एक मिनट, क्या हुआ? चाय स्ट्रॉन्ग और शक्कर ज्यादा होनी चाहिए। ओके। ओके। एक मिनट, क्या हुआ? इसमें शक्कर कम मीडियम रखना। जल्दी जल्दी, देर हो रही है। कोई कम है। एक मिनट, अब क्या हुआ? इसमें लाइट शुगर डालकर लाइट ही रहने दो। कैसे पता चला? इसने जरूर तेल की दुकान पर काम किया होगा, तभी बराबर डाल रहा है। एक मिनट, दूध चाहिए। तुझे कैसे पता चला? सबसे आखिर में दूध ही देना पड़ेगा ना। तो फिर ठीक है, थोड़ी मदद करना। क्या हुआ? एक जग पानी मिलेगा क्या? क्यों मांग रहा है? दो दो लाओ। ये क्या कर रहा है? ये हाथ धो रहा है, शर्ट भी धो रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहा है। अब यहीं पर नहा धोकर कपड़े भी सुखाएगा क्या? एक मिनट, क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो तुम? फाइनल मिक्सिंग। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी।
तेरा बहुत नाटक हो गया, चल अब चुपचाप पैसा निकाल। तुझे पता नहीं है इंडिया बहुत तरक्की कर चुका है। अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है, मैं तुम्हें नजर वाला ताबीज देता हूँ, इससे तुम्हारी दुकान बुरी नजर से बची रहेगी। क्यों बे, ताबीज देकर मेरी बहनी करवाएगा, चल भाई यहाँ से। हाँ बोल माची। अरे यार कॉलेज नहीं आना क्या? कॉलेज? हाँ यार जल्दी कर, लेट हो रहा है। हाँ? अरे अरे मैं अभी आ, जल्दी कर। अभी तक बस नहीं आई। कॉलेज जाने का टाइम हो रहा है। ए संजय, क्या हुआ, कॉलेज नहीं जाना है क्या? जाना है संजय, लेकिन कॉलेज की बस मिस हो गई। तुम बताओ तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? अरे मेरी नींद ही बहुत देर से खुली। वो छोड़ो, तुम कैसे जाओगी? मैं तो संजय कॉलेज जाने के लिए बस का इंतजार कर रही हूं। मैं उधर ही जा रहा हूं, आ जाओ ड्रॉप कर देता हूं। क्या हुआ माधवी? मैं बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। एक साइड में बैठने की वजह से हो गया होगा, दोनों साइड में पैर करके बैठ जाओ। अब ठीक है ना? सॉरी। थैंक्स संजय। इट्स ओके माधवी। नारियल पानी। अरे भाई तुम्हारे पास इतना टैलेंट है, ये सोचकर हम बहुत खुश हो रहे थे, और तुम्हें पता नहीं है। ऐसा कौन सा टैलेंट दिख गया मुझमें? क्यों भाई, तेरा टैलेंट हमें नहीं पता है क्या? अरे वो क्या है कि एक ही टाइम में तू इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, MBBS कर रहा है, सुबह एक कॉलेज दोपहर में दूसरा कॉलेज, तेरा तो जवाब नहीं यार। यार मैं तो अभी ABCD पढ़ रहा हूँ, और तुम लोग भी ना। हे चुप करो ना यार, क्यों उसका मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग? ए तू उसका सपोर्ट कर रही है, कहीं तू उसकी तरह मत बन जाना। ठीक है ठीक है, ये सब छोड़ो यार। जैसे मेरे और प्रशांत के अफेयर के बाद हमने ट्रीट दिया था, वैसे संजय से भी हमें ट्रीट चाहिए। हाँ हाँ जरूर ट्रीट चाहिए। ठीक है मैं सबको ट्रीट दूंगा, ठीक है ना? ठीक है। कार निकाल, चलते हैं। अबे गाड़ी में पेट्रोल कौन डालेगा? ऐसी कार रखने का क्या फायदा जिसमें पेट्रोल ही ना हो? दोस्तों का भला कर तो भी खुश रहेगा, चार लोग खुश रहते हैं तो हम लोग भी खुश रहते हैं, समझ गया? वो चार लोग है कौन? अरे और कौन होंगे, हम लोग है ना। पैसा लोट बाल माने 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 हाय। किधर जा रहे भाई? हेलो हेलो बेबी, व्हाट इज योर नेम? तेजस। ओह तेजस, टेक इट। ओह गुड गुड बॉय, बाय। चक 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 चक। ओ ओ ओ, रॉयल्टी स्टार, वाव। लगता है इसको पहले मैंने कहीं देखा है। ओल्ड टी स्टार। एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो? वो चिल्लर वाला। तुम तो पूरा बदल गए हो यार। यस यस, हिंदी को अंग्रेजी में बदल दिया क्या? यस यस, हाँ पैंट फुल पैंट में बदल गया है। और चिल्लर रुपए में बदल गया। हर सेकंड में जिंदगी बदलता रहता हूँ।
किसी को भी चिल्लर मत समझना, ओके? ओके ओके। हाँ, बात है बहुत हो गई, तू जा और चाय ले गया। लाइट लेके आऊँ या स्ट्रॉन्ग लेकर आऊँ? योर चॉइस। जो समझ में नहीं आ रहा है, मेरा मतलब है तेरी जो मर्जी। इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? बहुत हो रही है, पता नहीं कहाँ से आए। ए साहब टी। सुपर, एक्सीलेंट। हाउ मच? नहीं पता, पैसे कितने हुए चाय के? 8 रुपीज। ओनली 8 रुपीज। टेक इट साहब, चाय पी लीजिए आप। माय चिप ओनली 2 टाइम्स। ओ, 1 मिनट। बाकी पैसे नहीं चाहिए ये कह रहे हैं क्या? तो मैं कैसे पता चला? ये यहाँ पे खड़ा है, ये देखो। अरे पुलिस आ गई। तुझे मैंने पकड़ ही लिया। पुलिस, डोंट टच कैश, ओनली कैश। ओ, अब दे दिया ना, अब निकलो। Take it. Go. चलो ले जाओ। खड़े हुए हैं। चाय वाले साहब, मैं ये चाय पी लूँ क्या? Your choice. हेलो संजय, मैं बस स्टॉप पे नहीं मंदिर में हूँ, तो तुम जल्दी से मंदिर के पास आ जाओ। ये क्या माधवी, बस स्टॉप को तुमने मंदिर में बदल दिया? तुम आजकल बहुत मजाक करते हो। अरे नहीं नहीं, ऐसे ही बोला था। मैंने भी तो ऐसे ही कहा था। आज स्पेशल है क्या? ये क्या, शादी का कार्ड है? मजाक कर रहा हूँ। ये क्या है, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। ओके, क्या बात है बताओ। कोई बात नहीं है, हमारे कॉलेज में कल्चरल फंक्शन हो रहा है, तो उसमें मैं भी डांस कर रही हूँ, तो तुम अपने दोस्तों के साथ वहाँ जरूर आना। आओगे ना? ठीक है, जरूर आऊंगा। व्हाट नेक्स्ट? और क्या, मुझे घर तक ड्रॉप करो। चलो। फिर वन साइड बैठ गई। अरे जाता कहीं, रुक, देरी तो दड़ा दड़ा कर, रुक, ओलंपिक कंपटीशन करवाएगा क्या? नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं आज, जान से मार दूंगा। भागू, ए रुक रुक। अरे बाबू, नहीं भाग मत, कहां तक भागेगा तू? रुक, आ रहा हूं मैं, नहीं छोड़ूंगा। भाग गया ये, नहीं छोड़ूंगा उसे। अरे बच्चों, मुझे बचा लो। आप हैं कौन? तुम लोग भूल गए क्या, मैं तुम्हारा पुराना मैथ टीचर हूँ। आप तो बड़े आराम से चलते हैं ना, इतनी तेज क्यों भाग रहे हैं? अरे भाई, तलवार के डर से कोई भी भागेगा। वो आपको क्यों मारना चाहता है? उसको 0 दिया था इसलिए। हमें भी 0 मार्क्स देकर घुटनों पर बिठाए थे, आज इनको उसका फल मिल रहा है। इनके लिए कुछ कर यार, अभी तो आपको बचाना ही पड़ेगा। आइए, अरे अंदर आइए सर, आइए आइए आइए, छुप जाइए, जाइए यहाँ पर। ए आराम से टीचर, बैठ जाइए, संभाल के उतरना। हाँ, यहीं पर छुप जाइए। हाँ, पता नहीं जल्दी कौन सी मुसीबत आने वाली है। ए, वो देख हथियार के साथ आने दे, चुपचाप रह। कहाँ गया ये मास्टर? अरे क्या तुम टीचर को ढूंढ रहे हो? हमने उन्हें कहाँ देखा है यार, सही बात है ना? हाँ सही है, आप उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? उसने मेरे बेटे को फेल कर दिया, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। अगर मैंने उसे छोड़ दिया ना, तो वो दोबारा मेरे बेटे को फेल कर देगा, चाहे मुझे जेल ही क्यों ना हो जाए। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे खत्म करके रहूंगा। अरे बाप रे, इस बदले में पड़े रहने से अच्छा है कि वो मुझे मार ही दे। अरे ए, मास्टर जी तो बुरे फंसे यार। क्या ये वो आदमी है? वो गोरा नहीं था, सावले रंग का था। अच्छा, वैसे ने मुझे पहचाना नहीं। देर हो रही है यार, ये अभी तक नहीं आया। माधवी का प्रोग्राम भी स्टार्ट हो जाएगा, ये देर क्यों कर रहा है यार?
अरे यार मैं तेरा एक घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। किस लिए? माधवी का डांस देखने के लिए। मैंने तो जोश में उसे हाँ भी बोल दिया। अपना जोश थोड़ा कम कर भाई। हाँ ठीक है कम कर दिया। चल चल बैठ। अरे यार तू यहाँ पर, तूने तो कहा था कि तू माधवी का प्रोग्राम देखने जा रहा है। वो प्लान था लेकिन बदल गया। क्यों? मुझसे ज्यादा वो माधवी का प्रोग्राम देखने के लिए उत्साहित था। वो कब आएगी, कब डांस करेगी, कैसे करेगी, यही बोले जा रहा था, इसीलिए मैं उसे छोड़कर आ गया। तू क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेरी समझ में सब आ जाएगा, चल बैठ। माधवी। हेलो संजय। हाँ बोलो माधवी। प्रोग्राम कैंसिल हो गया संजय। क्या कहा, प्रोग्राम कैंसिल हो गया? क्यों? पता नहीं मुझे। चिंता मत करो माधवी, तुम्हारा प्रोग्राम जरूर होगा, तुम मंदिर के पास मिलो। ठीक है ओके। भाई माधवी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। ए तू क्यों पीठ दिखा रहा है? है कि माधवी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो तुझे बहुत चिंता होती है। नहीं भी होता तो भी तुझे चिंता होती है। तू हर बात पे सवाल करता है, चिंता करता है, इसीलिए मैं पीठ दिखाकर खड़ा हो गया। भाई भगवान की दया से वो मरा नहीं है, जिंदा है। ये तो बहुत चालाक है, मुझसे भी ज्यादा। कब से वेट कर रही हूँ, अभी तक नहीं आया। हे, देखिए यार माधवी तेरा इंतजार कर रही है। हाय संजय। हाय माधवी। हाय जगन। हाय। हे अच्छा ये बताओ प्रोग्राम कैंसिल क्यों हुआ? ये सारी बातें छोड़ो, अगर मैं मंदिर जाऊँ तो प्रोग्राम होगा, ऐसा कहा था क्यों? वैसे तुम कौन से गाने पर डांस करने वाली थी? स्वर्ग फिल्म में एक रोमांटिक गाना है ना, मैं उसी गाने पे डांस करने वाली थी। तो फिर करो यहाँ। क्यों, 400 लोग देखेंगे तो ही डांस करोगी, हमारे लिए नहीं करोगी? करूँगी ना। हाँ, तो करो तो गाना जगन। ए, पकड़। अरे यार जल्दी चलना। रुकना, प्रकाश के आने के बाद चलेंगे। वो कब आएगा यार? सब्र करना, आ जाएगा। ए, आउट है। इनकी तो, इनकी बॉल ही फेंक दूंगा मैं। भैया बॉल दो ना। नहीं दूंगा। दो ना भैया। नहीं दूंगा, चल निकल यहाँ से। भैया दो ना भैया। बोला ना नहीं दूंगा। दे दो ना भैया। बच्चों से क्यों उलझ रहा है, इधर आ। अभी सिर्फ स्कूटी पे लगी है, अगर सर पर लग जाती तो क्या होता, बीच वाला पोर्शन गायब हो जाता। ये कोई बहुत बड़े प्लेयर है जो तू सपोर्ट कर रहा है? क्यों, सचिन धोनी कोहली की तरह ये बच्चे बड़े होकर प्लेयर नहीं बनेंगे। सुनो अभी बॉल लो, संभाल कर खेलना। संभाल के ही तो खेल रहा था भैया, इसलिए गाड़ी पे लगी, वरना आपके मुंह पे लगती। चलो। अरे यार अब चलना यहाँ से। रुकना, प्रकाश के आने के बाद चलेंगे। ये ले बॉल डाल। ए प्रकाश को फोन कर जरा। नॉट रीचेबल है यार। अरे तो दोबारा लगा ना। अरे नंबर नॉट रीचेबल है। वो क्या पाकिस्तान के बॉर्डर पर चला गया है, बेडरूम में फोन रखा होगा, कभी कभी नेटवर्क नहीं पकड़ता है, लग जाएगा, ट्राई तो कर। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तेरे धोनी ने छक्का मारा है। ए कैच। ये दाग बड़े अच्छे लग रहे हैं। क्यों रे तुझे गुस्सा नहीं आ रहा? अरे बच्चों पर क्या गुस्सा करना, वो हमारे दुश्मन थोड़ी ही हैं। कुछ नहीं समझा, फिर से समझा मुझे। ए जगन तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। एक महात्मा और उनका शिष्य जंगल में तपस्या करने के लिए गए। जाते समय महात्मा को प्यास लगी, पानी पीने के लिए वो एक तालाब पर गए। तालाब के पानी में एक बिच्छू डूब रहा था। बिच्छू को पानी में डूबता देखकर उनको उस पर दया आ गई।
उसे पानी से निकालने गए तो उसने डंक मार दिया। महात्मा ने डंक मारी हुई जगह पर दवा लगाई और फिर से बिच्छू को पानी से निकालने की कोशिश की और उसे बाहर निकाल दिया। वो बिच्छू खतरनाक था, उसे क्यों बचाया? यही सवाल उनके शिष्य ने किया था। तब उन्होंने उसे समझाया। क्या कहा पता है? भगवान ने जिसके अंदर जो गुण दिया है वो उसी गुण का इस्तेमाल करता है। भाई तेरी बात समझ गया, अब चल यहाँ से। चलो। छोड़ो। क्यों रास्ता छोड़ूं? तुम व्हाट्सएप पे जवाब नहीं देती, फेसबुक का रिप्लाई नहीं करती, तो फेस टू फेस बात करने आ गया। अब तक जवाब नहीं दिया तो तुम्हें लगता है अब मैं जवाब दे दूंगी क्या? ऑफ कोर्स। हेलो, लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मैं माधवी की फ्रेंड हूँ। अच्छा, तभी मुझे ऐसा लगा। ठीक है, कहाँ जा रही हो? कॉलेज जा रही हूँ मैं। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, चलोगी क्या? हेलो ब्रदर, अगर कोई मुझे डिस्टर्ब करे तो वो मुझे पसंद नहीं। कौन तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है भाई? मैं अपना लव प्रपोज कर रहा हूँ और तू बीच में आके टांग अड़ा रहा है। ओहो, प्रपोज कर रहे हो क्या? करो करो। वो तुम्हें प्रपोज कर रहा है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? ये पिकअप करेगा क्या इसे? ये मुझे बहुत दिनों से प्रपोज करने के लिए टॉर्चर कर रहा है। ये बात है। हेलो ब्रो, तुम्हें बोल रहा हूँ। अरे मुझे फसा के निकल ले यार। चलो सर। ए, तुम बहुत दिनों से टहला रहे हो, आज हमें ट्रीट चाहिए। सही बात कह रहा है भाई। अरे छोड़ ना। अरे बुरा क्यों मान रहा है यार? सुन, बात करना है तो वहां दुकान में चलते हैं। हाँ, ओके। ओके भाई, आज का खर्चा तुझे करना होगा। इसको इतना रगड़ रगड़ के साफ कर रहा हूँ पर ये साफ ही नहीं हो रहा है, और रगड़ना पड़ेगा। सुनो चाय वाले। चाय वाला कौन बोला बे? नहीं तो जूस वाला कहूँ क्या? नहीं, चाय वाला ही बोलो। ठीक है, बिजी हो कि फ्री हो? ये हमेशा फ्री ही रहता है। मैं हमेशा फ्री रहता हूँ, ये बात इन लोगों को कैसे पता चली? ठीक है, मन में बहुत बोल लिए, एक पेन और पेपर दे। ये लो भाई, तुम ही लिख दो ना। ठीक है भाई। वो ये है और वो भी है और ये भी है, ये भी है दोस्त। वो है क्या? हाँ वो भी है। वो ऊपर वाला भी? हाँ वो भी ले सकते हैं भाई। और कुछ? हाँ वो भी ले सकते हैं। रेडी है क्या? वो तो हमेशा रेडी है भाई, ये तो हमेशा ही रेडी रहता है दोस्त। चार ग्लास भी लिख लो। ओके। दो पेप्सी। ओके। दो पैकेट किंग्स। ओके। चार पैकेट बादाम, चार पैकेट नमकीन। ओके, या और कुछ लिखो? चार अचार। ओके। और लास्ट में चार पुड़िया भांग लिख दो। लेकिन वो किसके लिए? तुम्हारे लिए। मुझे उसकी आदत नहीं है। पागल आदमी है, सीधे खड़े हो जाओ। ठीक है ठीक है, बिल कितना हुआ वो बताओ। अभी बताता हूँ। भांग का छोड़ के 340 रुपया हो गए। अरे देना है, बिल बहुत ज्यादा लग रहा है क्या? बजट देखना पड़ता है। अच्छा, मैं बेवकूफ नजर आता हूँ क्या? बुरा मत मानो भाई, चलो एक सिगरेट दे दो। मेरे को बेवकूफ समझ के रखा है क्या? सही कह रहा है भाई, चलो देखते हैं। ये लो सिगरेट। मैच बॉक्स इधर लो। मैच बॉक्स। ले भाई, तू भी पी। हाँ बस करना, दे यार। ये लो। सुपर है यार। अरे भाई, ये कौन है? हमारे एरिया में नहीं दिख रही है। नया क्या पुराना क्या, सब कुछ अलग ही दिख रहा है भाई। ए, ये लड़की तेरे से बिल्कुल नहीं पटेगी। तू मुझे क्या समझता है, मैं क्या करता हूँ देख। अभी देखना। हाय, कौन हो तुम?
इससे पहले कभी नहीं देखा तुम्हें। मैंने भी तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तो फिर ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे तुम मुझे जानते हो? ये मेरी एक अच्छी आदत है। और अच्छी आदत तुमने दुनिया में किसी लड़के के पास देखी है क्या? हाँ, ऐसा तो नहीं देखा। मैं तुमसे यही एक्सेप्ट करता हूँ। ओके ठीक है। अरे ये करना कैसे? इसने तो जैसा कहा वैसा कर दिया। सही कह रहा भाई। कैसे हो गया? कमाल कर दिया इसने तो। अंकल एक ब्लेड देना। ये लो ब्लेड और ये लो बाकी के पैसे। ये बताओ तुम यहाँ पर नई आई हो क्या? अंकल मैं यहाँ कल ही आई हूँ। इनसे बच के रहना, ये लोग एक ही सिगरेट को सब मिलकर पीते हैं। नो प्रॉब्लम अंकल, मुझे भी ये पसंद है। तुमने सही जवाब दिया। अरे संभल के, उसके हाथ में ब्लेड है। ब्लेड ए, तुम्हें क्या लगा मैं डर गया? शेर दो कदम पीछे जाता है तो डरता नहीं है बल्कि तेजी से शिकार करता है। अच्छा ये बता, उस दिन वो जो विलेन था जो हमें डिस्टर्ब कर रहा था, कहाँ गया आज? विलेन नहीं, हीरो। हीरो है हा? तू हीरो है? अरे दिखा ना हीरो पंती, दिखा। पानी लाओ जल्दी। ये लो। जो लड़की तुझे पसंद नहीं करती हो उसे परेशान करना, ये बात मुझे पसंद नहीं है। ए, तूने मुझे मारा? हाँ। खुद को हीरो समझता है क्या? 5 मिनट रुक। ठीक है, मैं अभी तुझे बताता हूँ। 5 दिन तक खड़ा रहूंगा, जाने का। रुक जा तू। ये मुझे खतरनाक गुंडा लग रहा है और मुझे लगता है वो गुंडों को लेकर आएगा। चलो हम यहाँ से निकलते हैं। तुम जाओ, मैं देख लूंगा। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं अभी यहीं वेट करूंगी। ठीक है वेट करो। मैंने तुझसे कहा था ना, ये लोग तेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे। तू हीरो है ना, अब मुझे दिखा अपनी हीरो बनती। मार डालेंगे ये लोग, मारो इसे। सच में हीरो है। चलो नहीं तो हम सबको मार डालेगा ये। भागो। ए, रुको। ए, रुक जाओ। भाग गए गिदर कहीं के। ए। ये लो, पी लो भाई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, शायद ऊपर वाले की कृपा है इसीलिए मुझे ये शक्ति मिली। चलो चलते हैं। माधवी, मैं संजय को दूसरों की तरह पिकअप एंड ड्रॉप करने वाला ही समझ रही थी, लेकिन उसने हमारी वाणी को 10 गुंडों से बचाया। सो तुम्हारी चॉइस सच में सुपर है। मेरी चॉइस हमेशा सुपर ही रहेगी। किसी का वेट कर रही है लगता है। मैं भी बहुत देर से वेट कर रहा हूँ।
सॉरी माधवी, थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुमने अचानक बुलाया, कोई खास बात है क्या? तुम्हें देख ले, यही खास बात है। ये लो। ये क्या है? ओपन करोगे तभी तो पता चलेगा। वाओ, सुपर ड्रेस है, ये कहाँ से ली? बात चली है। नहीं नहीं, मैंने लिया नहीं है, तुम्हारी पसंद का धागा खरीद कर अपने हाथों से बनाया है। अबे ज्यादा मत फेंक, ज्यादा फेंकेगा तो पकड़ा जाएगा। ठीक है माधवी, मैं चलता हूँ। संजय एक मिनट रुको ना। क्या हुआ? इसे पकड़ो। अपना हाथ दो। ये क्या है? ये धागा ही मैं हूँ। मैं समझा नहीं। कल सुबह 10 बजे बताती हूँ। भाई ये लड़की किसी का इंतजार कर रही है। हाँ वो तो मैं भी देख रहा हूँ। क्या है दोस्त, एक लड़की अकेले खड़ी है? अरे भाई ये लड़की यहाँ बहुत देर से खड़ी है। मैंने कहा था ना ये लड़की किसी का इंतजार कर रही है। ठीक है, तू ये माल पहुंचा और मैं ये उठा के लाता हूँ। मेरे भाई जरा मेरा भी ख्याल रखना। तू जाना यार, मैं लाता हूँ। लड़की के मामले में रिश्ता नहीं देखता, क्या करूँ। सुनो, तुम किसी का इंतजार कर रही हो क्या? कौन है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? तुम्हें देख कर तो लगता तुम किसी अच्छे परिवार से हो, तुम्हें यहाँ इस तरह खड़े नहीं होना चाहिए। वो अभी आ जाएगा। ये बहुत खतरनाक एरिया है, यहाँ पास में ही मेरा घर है, वहाँ पर चलो सेफ रहोगी। तुम्हारा बॉयफ्रेंड आएगा तब मैं तुम्हें लाकर यहाँ छोड़ दूंगा। नहीं मैं नहीं आऊंगी। मेरी बात मानो, ये खतरनाक एरिया है, चलो। अरे कहाँ ना ये खतरनाक एरिया, चलो चल, आवाज मत कर, चुपचाप जोर से चिल्लाएगी तो भी कोई नहीं सुन पाएगा। चल चुपचाप, मुझे मारेगी तेरा क्या करता हूँ, मुझे मारेगी, मुझे मारेगी तू, देख अभी क्या करता हूँ मैं। चल मारेगी, ठीक है मार ले, तू कभी देख क्या करता हूँ, चिल्लाएगी चिल्ला ना, मुझे थप्पड़ मार, बताता हूँ तुझे, रुक जा, चिल्ला चिल्ला, नहीं छोड़ दो मुझे, छोड़ो छोड़ दो मुझे, बताता हूँ तुझे, अब चिल्ला, ए चिल्ला ना, चल। यहीं पर तो मिलने के लिए बोली थी, चप्पल भी यहाँ पड़ा हुआ है। माधवी 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 माधवी, माधवी, चुप चल, चुप चुप, देखो जैसे उसने कहा था वैसी लड़की लेकर आ रहा है, चल, चलना, चुपचाप खड़ी हो जाए यहाँ पर, क्या
कमाल है। हाँ भाई, कितने दिनों से पुरानी बोटी का मजा ले रहे थे, आज का मजा लेंगे। मजा आएगा, पहले आप फिर हम लोग। क्या बात है। चल 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 चल, अटक मत कर। अरे मौका मिला है, क्यों छोड़ना चाहती है तू भी, प्यार से आना। अरे चल, अरे चल ना, अटक मत कर, हो तो गया, चल। अरे अरे तू क्या है, भुदक क्यों रही है। अरे चल चुपचाप, के आगे हिरनी की नहीं चलती। हाँ चुपचाप चल, चल चुपचाप, सीधी तरह मान जा। ए, ए, तुझे यहाँ कोई बचाने नहीं आएगा, सीधी तरह मान जा, यहाँ कोई छोड़ेगा नहीं तुझे। आजा, आजा, नहीं, जा, छोड़ दो मुझे। ए, बस कर, अटक नहीं चाहिए। मुझे जाने दो। मार मार और मार, जितना मारना है मार, लेकिन मुझे भी मौका देना प्यार करने का, बड़ा सा कॉपरेट कर। क्या चल रहा अंदर? मार डाला, कम हो गया, दर्द हो रहा है। हे तेरी मुझे पकड़ी है, तेरी को निकाल। अरे भाई क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अरे मैंने तो सिर्फ धक्का मारा, ये गिर गई। क्या हो गया माधवी? माधवी माधवी कौन है? अरे नहीं माधवी, तुमको क्या हो गया माधवी? माधवी तूने माधवी के साथ क्या किया? मारो इसे, तो ले मुझे। भाई अब इसका क्या करें? ए, इसका गला घोट के इसे मार दे। भाई ये इतनी आसानी से नहीं मरेगा। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि मुझे मार डालो। नहीं मारेंगे, क्या कर लेगा तू? अगर मुझ में जरा भी जान बाकी रही ना, तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीनो। खुद को बड़ा हीरो समझता है जो हमें मारेगा, हाँ? लेट जाओ संजय, डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है। माधवी कहाँ है यार? क्या हुआ, तुम लोग चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं, कहाँ है माधवी, बोलो ना यार। माधवी ठीक है, बाद में उससे मिल लेना। नहीं मैं अभी उससे मिलूंगा। अरे संजय उससे बाद में मिलना, अभी तुम आराम। नहीं नहीं आराम नहीं करना है, मुझे मिलना है। प्रकाश गाड़ी रोको। क्या हुआ यार? ए, तुम लोग माधवी से मिलाने की बजाय जंगल में क्यों ले आए? माधवी वहीं पर है भाई। क्या हो गया? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम आगे निकलो। Thank you.
यहाँ कहाँ है माधवी? भाई वहाँ है तुम्हारी माधवी। माधवी 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 मुझे यार नहीं छोड़ दो, मुझे मुझे छोड़ दो। सुन, अरे अरे रुक जा, कहाँ जा रहे हो? संजय सुनो, संजय सुनो, संजय सुनो तो माधवी क्या कर रही है? मरने के लिए जा रहा है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया तू? चल बाहर चल, चल बाहर चल, चलो बाहर चल यहाँ से, संजय आराम से ऊपर चल। संजय हाथ पकड़ो, संजय आराम से बैठ जाओ, चलो अभी यहाँ से चलते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊँगा। उठो संजय, मुझे छोड़ दो स्वाति। हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। हाँ संजय, मुझे नहीं जाना ही होगा। चलो आ जाओ, चलो हमारे साथ। मुझे छोड़ दो, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो चले जाओ, भगवान के लिए मुझे अकेले छोड़ दो, जाओ इसे अकेला छोड़ देते। चलो 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 चलो, संजय उठना, संजय अरे संजय उठो, संजय 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 उठो, संजय उठो ना, संजय संजय हो गया यार तुझे, क्यों संजय तुझे आराम से, संजय संजय तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? संजय तुम्हें यहाँ छोड़कर हम भी रात भर सो नहीं पाए हैं। ए उठना, उठ जा यार। देखो जिन कमीनों ने माधवी को मारकर तुम्हारा ये हाल किया उनको हमने ढूंढ लिया है। माधवी जहाँ गई है हम उन्हें वहीं भेज देंगे। चलो संजय चलो, चल ये 2020 का मैच आने से तेरा पूरा धंधा 50-50 हो गया। दूध में पानी मत डाल, दूध दूध नहीं रह जाएगा। अगर दूध दूध नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा ये भी बता दो। तुम बता सकते हो क्या? अरे बेवकूफ, दूध दूध नहीं रहेगा तो दही बन जाएगा, दिमाग खराब करता है। अरे ये क्या बात हुई भाई? ये तो मुझे वही लग रहा है। मैं तो पागल हूँ, चाय की दुकान पर आए हो तो चाय देने की जगह चाय चाहिए क्या ये पूछ रहा हूँ? भाई भाई ये लो चाय, वेलकम। ये इतना हॉट कैसे है? ये हॉट नहीं है भाई, ये हीट है। क्या हुआ? साइड डिश ठीक का साइड डिश चाहिए। वो गिलास तो
करूं मैं? ए बंगाली, ए भाई इधर आ रे, अरे इधर आओ, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे क्या हो गया, क्या हुआ भाई, क्या हो गया तुम्हें, ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या बात है, क्या हो गया भाई, आराम से बोलना। अरे मैं कहीं का नहीं, बता क्या हुआ, आराम से बता। इसकी चाय पी कर बात हो गया। कैसी चाय बना के दी इसे? मैं तो हमेशा भैंस की दूध, इसने भैंस की दूध से चाय बनाई थी। अब मैं क्या बताऊं भाई, मैंने अपने पत्नी के पैर पकड़े, हाथ पकड़े, उसकी गालियां तक सुनी। उसने मुझे झाड़ू से मारा पीटा, मेरी इज्जत का कचरा कर दिया। तब जाकर उसने मुझे 50 रुपए दिए भाई हो। उन पैसों से एक क्वार्टर पीकर आऊंगा और मस्त नशे में झूमूंगा सोचा था मैंने, लेकिन इस धोखेबाज ने मुझे कड़ी चाय पिलाकर मेरा पूरा नशा ही उतार दिया, बर्बाद कर दिया मुझे भाईयो। अब अगर मैं बिन पिए घर जाऊंगा ना, तो मेरी पत्नी दिए हुए पैसों की दारू क्यों नहीं पी बोलकर मुझे सांप की तरह ढसेगी, सांप की तरह। मैं क्या करूँ, मेरी पत्नी आईडिया रुकना भाई। अरे भाई तूने इस नशेड़ी का नशा क्यों उतार दिया? अरे भाई थोड़ा मैं क्या करूं बताओ। एक काम कर, इसको टल्ली करके इसके घर भेजकर प्रूफ देना पड़ेगा भाई। 100 रुपए देकर इसकी जिंदगी में उजाला कर दो भाई। 100 रुपए? 100 रुपए देगा तो धीरे धीरे बढ़ के वो 200 रुपए हो जाएंगे। पैसे तो तुरंत निकाल रहा है भाई। बस हो गया, ये ले दोस्त। आड़ो आड़ो, झगड़ा हुआ नहीं फिर भी भीड़ इकट्ठी कर देते हो। चलो निकल से, आज मेरा दोस्त पौआ पिएगा, पौआ। ए मेरा दोस्त पीने जा रहा है, पीने जा रहा है, पीने जा रहा है, टल्ली होने जा रहा है, टल्ले। अरे यार अपने खंबे का जुगाड़ हो गया। अरे चलना इस साइकिल को उठा लेते हैं, चल। चल चल, रुक रुक, ए साइकिल लेके कहाँ जा रहा है? अरे इसको रोको, ए रुक, अरे रुक रुक, आजा भाग भाग। तू भाग गया, ए रुक, जिम जा रहा है क्या तू? सिर्फ मन में ही नहीं बदन में भी ताकत होनी चाहिए, इसीलिए जिम जा रहा हूँ। चल ठीक है, चलता हूँ। बहुत बदल गया है ये। अगर मारना है तो चाकू से मार सकते हैं, गला काट सकते हैं, हाथ से मार सकते हैं, बांध के मार सकते हैं, गोली से मार सकते हैं, फांसी से भी मार सकते हैं। पर तुमने कहा तुम उसे मारोगे भी और जिंदा भी रखोगे, वो कैसे? कहो संजय तुम क्या करोगे? उनकी जान ही नहीं, उनके शरीर के अंग भी निकालूंगा। वो निकाल के तू क्या करेगा? ये सीक्रेट है, बाद में बताता हूँ। सुपर, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। सुपर, जरा पढ़ कर दोगे भाई? चिल नहीं है, जाओ। ये डायलॉग कहाँ से सीखा तुमने? किसी ने तुम्हारे सामने हाथ फैलाया तो मना कर रहे हो? जगन देखो क्या है, दिखाना। क्या लिखा है जगन? लिखा होगा, तकलीफ है पैसे दे दो, ये लिखा होगा। आप चिंता मत कीजिए बहन, हम लोग संभाल लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई।
सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। ये हमारा पहला प्लान है, इसमें हम किसी भी तरह हारना नहीं चाहते। ओके ओके ओके। माला, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुन लो। माधवी को जहाँ मारा गया था वहाँ मोहन रहता है, समझ गई ना? ए इधर लाओ। पहले तुम ये साड़ी पहन लेना। साड़ी पहनने के बाद उस घर के पीछे वाले नल को खोलना। नल खोलते ही पानी गिरेगा, गिरने की आवाज सुनकर वो आएगा। उसके आते ही हमारे प्लान के मुताबिक तुम उसे अट्रैक्ट करना और किसी भी तरह उसे बगीचे के पीछे वाले झोपड़े में लेकर आना। ओके संजय। ठीक है, तुम्हें वहाँ पहुँचने से पहले हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है संजय, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, बाय। थैंक यू। ठीक है, बाय। जीजा, जीजा, उठो जीजा, अब चलते हैं जीजा। अरे मैं नहीं जाऊंगा, तू जाना। जीजा, अरे जीजा, अब चलो जीजा। क्या बे जीजा, जीजा बोल रहा है, मैंने तेरी बहन से शादी की है क्या? बता, बता ना, तूने अपनी बहन से मेरी शादी करवाई क्या? नहीं। फिर क्यों जीजा जीजा बोल रहा है तू मुझे? फिर किस नाम से बुलाऊं आपको जीजा? ए, फिर मनीष कह के बुला। देखो अब ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है क्या? अच्छा तो फिर मालिक कह के बुला। ये कब मालिक बन गया? ए, क्या सोच रहा है? नहीं कुछ नहीं, मैं सोच रहा था तुम्हें घर चलने को कैसे मनाऊं। मैं तेरी पत्नी हूँ क्या? नहीं। तो फिर तेरी हूँ क्या? नहीं। ठीक है, इधर आ। याहू। अरे ये क्या है? दुनिया के सब खबरें जान सकते हो। तुझे शराब और साइड डिश के अलावा कुछ और भी आता है क्या? चल पहले ये टी शर्ट निकाल। निकाल नहीं तो मैं खुद उतारूंगा, समझा क्या? इसीलिए गलत लोगों के साथ। ए, चल निकाल ना। निकाल रहा हूँ। चल निकाल, जल्दी निकाल। निकाल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। कंधे पे डाल, कंधे पे। चलो अब चलते हैं घर। कहाँ जा रहा है? इधर बैठ, बैठना, चल बैठ। अब क्या? चल अभी तू पिया फिल्म के बारिश वाले गाने पर डांस कर। बारिश तो नहीं हो रही है। तुझे बारिश चाहिए? हाँ। अभी हो जाएगी, तू डांस तो शुरू कर। मैं कैसे डांस करूँ? डांस शुरू करना। बिना बारिश और बिना गाने के मैं कैसे डांस करूँ? डांस कर, डांस कर। ठीक है, डांस कर, डांस कर, डांस 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 डांस। ओ बारिश आ गई, बारिश आ गई, बारिश पड़ गई। मुझे सोने दे। ठीक है जीजा जी, ये तो गया, ये सब उठा के भागता हूँ, मैं तो बच गया, भागो। अरे ये क्या, ये इधर से किसी औरत की आवाज आ रही है। अभी देखता हूँ। क्या बात है, क्या कर रही हो? नहा रही हो क्या? हाँ। नालो नालो। तुम बहुत अच्छे हो। तुम भी। जाओ भी। तुम शर्माते हुए बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम तो बिना शर्माए ही सुंदर लग रहे हो। स्वर्ग में वो किधर है? कहाँ पर ले जाओगी? चलो तो सही। हाँ। और कितनी दूर जाना पड़ेगा? तेरी हंसी बहुत ही कातिल है, आज मैं तेरा शिकार करूंगा। क्या सोच रहे हो, जल्दी चलो, आओ ना। तुम तो स्वर्ग की बात कर रही थी। पासा मिल जाएगा। आहे
तुमने स्वर्ग दिखाऊंगी कह के 24 कैरेट का सोना दिखा दिया। तू है, तू अभी तक मरा नहीं क्या? क्यों बे, मरा हुआ इंसान कैसे जिंदा हो गया सोच रहा है क्या? भाई इस कमीने से क्या बात कर रहा है, मार के खत्म कर दे इसे। रुक जा, मैं वही करने वाला हूँ। क्यों बे, भीड़ जमा करके मुझे डराता है क्या? मारो संजय, मार डालो इसे, छोड़ो नहीं। मारो, मारो संजय, मार डालो इसे, छोड़ो नहीं। और मार इसे, मार डालो। बहुत बढ़िया, मारो संजय। ये बगीचा किसका है? मेरा है सर। इस मरे हुए आदमी को आप लोग जानते हो? बहुत अच्छी तरह सर, हम हमेशा एक साथ ही रहते थे। कल इसने ज्यादा पी ली इसलिए उस नशे से ये भाग गया यहाँ से, और आज ठीक है कांस्टेबल एम्बुलेंस को कॉल करो सर। नोट कर लिया ना? हाँ सर। साहब क्या वो कातिल जल्दी मिल जाएगा ना? हाँ हाँ जल्दी मिल जाएगा, थोड़ा जल्दी करो साहब। अगर तुम लोग मेरे साथ नहीं होते तो मेरा पहला प्लान कामयाब नहीं होता। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर अलग माला नहीं होती तो भी ये प्लान सफल नहीं होता, इसके लिए तुम्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। ए थैंक यू कह के हमें अलग कर रहे हो क्या? हाँ संजय, तुम हम लोगों से अलग नहीं हो। ए माधवी के बिना जितनी तकलीफ तुझे हो रही है उतनी तकलीफ हमें भी हो रही है यार। तेरा प्लान कामयाब होने तक हम सब तेरे साथ रहेंगे। हाँ यार। हाँ संजय, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई क्या हुआ? बहुत तकलीफ हो रही है भाई। दारू चाहिए क्या? एक लड़की लड़की करके चला गया। हाँ। और अब तू पी पी के मरेगा क्या? बस करना। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। ए सर के लिए चेयर लेकर आ। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं। बैठिए सर। जिसका कत्ल हुआ वो किसी लड़की के चक्कर में पड़ा था। ये क्या कह रहे क्या सर? उसके बदन पे नाखून के निशान हैं। सिर्फ इतना ही नहीं किडनी भी गायब है। क्या क्या कह रहे हैं? हाँ मुझे लगता है इस केस के पीछे किसी किडनी चोर गैंग का हाथ है। किडनी चोर गैंग? हाँ हम उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। मैं चलता हूँ। ठीक है सर। ठीक है सर। सर आपने तो कहा था आप कातिल को जल्दी पकड़ लेंगे। पुलिस उसे ढूंढ रही है। ऐसी ढूंढने का तो साल लग जाएगा। नमस्ते बेटा। अरे बैठिए बैठिए माताजी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पति की जान बचाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी अच्छा काम करने पर धन्यवाद की जरूरत नहीं होती है, मुझे अच्छा लगता है। डॉक्टर ने जैसा कहा है वैसे इनका ध्यान रखिए। ठीक है बेटा। मैं रोज आकर मिल लिया करूंगा माँ जी। ठीक है मैं चलता हूँ। हाँ। ये तो देवता है। अब एक दूसरे का मुंह देखने से क्या होने वाला है, जाकर दारू लेकर आना। नहीं नहीं मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मोहन भी अकेले गया था, उसको मारकर उसकी किडनी भी निकाल ली उसने। अरे वो किडनी लेकर क्या करेगा बता? वो सब डॉक्टर को पता होगा। ए, ये डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है क्या जो ये बताएगा, इसको क्या पता? ए, बकवास बंद कर, जाकर शराब लेकर आना जल्दी से। ए, तू भी मेरे साथ चलना। अबे मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? भाई चलो तो। अबे जाएंगे तो साथ में जाएंगे, मरेंगे तो भी साथ में मरेंगे। मुझे अकेला नहीं रहना है यहाँ पर, हम अकेले रहेंगे तो हमारी जान को खतरा है। कौन? डॉक्टर हैं क्या? हाँ है सर, अभी बुलाता हूँ सर। ओके
नमस्ते सर। नमस्ते, चलिए अंदर बैठते हैं। नहीं कोई बात, बताइए सर आप किस काम से यहाँ आए हैं? एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। बताइए सर क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? अभी कुछ दिनों पहले एक मर्डर में डेड बॉडी में से उसकी किडनी गायब थी। वो मर्डर किडनी की वजह से हुई, मुझे थोड़ा डाउट है, इसलिए आसपास के हॉस्पिटल से किडनी ट्रांसप्लांट सेंटरों से रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं हम। आपके हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट की किडनी ट्रांसप्लांट हुई है उनकी रिपोर्ट चाहिए मुझे। हॉस्पिटल में अगर फेक एंट्री हुई होगी तो उसकी जानकारी नहीं मिलेगी हमें, इसलिए आपके घर में पूछताछ के लिए आया हूँ। जो भी रिपोर्ट है मैं पुलिस स्टेशन आके बताता हूँ सर। चाय कॉफी कुछ लेंगे आप? कोई बात नहीं, थैंक यू, मैं चलता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। हमारी बात पुलिस को पता चल गई लगती है, ये बात मुझे संजय को बतानी पड़ेगी। संजय। स्वाति, मैं माधवी को भूल नहीं पा रहा हूँ। स्वाति, तुम्हारी हालत मैं समझ सकती हूँ, पर तुम्हें आगे जिंदगी जीनी है ना संजय। इस तरह माधवी के दुख में डूबे रहोगे तो कैसे काम चलेगा? इससे पहले कि पुलिस हम तक पहुँचे हमें उन सबको खत्म करना है। हाँ स्वाति, तुम्हारी बात सही है, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। स्वाति जरूर संजय। सर, सर आपने मेडिकल स्टूडेंट्स को फॉलो करने के लिए बोला था। हाँ? फिलहाल मुझे दो स्टूडेंट्स पे शक है सर। मैंने उन्हें कई बार मिलते हुए देखा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपस में लवर्स हैं सर। ऐसा है क्या? उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ गलत प्लान बना रहे हैं। अच्छा, तो इस केस की जांच करने वाले SI को पता है? नहीं पता सर। ओके, उसे मत बताना, मैं जांच करता हूँ। ठीक है। ओके भैया, एक बीड़ी चाहिए। हाँ, देता हूँ। उस तरह पावर आकर अपनी बीड़ी ले लो। आओ आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये लो अपनी बीड़ी, ये लो। अरे माचिस देना। ये लो माचिस के डिब्बे। ये ऐसे बोर्ड को क्यों घूर रहा है? भैया मुझे एक डाउट है, कई बार सोचा कि पूछूं मगर भूल जाता हूँ। क्या डाउट है? चाय किस दूध से बन रही है क्या? अरे वो बात नहीं है, बोर्ड में लिखा है गोरा स्वामी, वो कौन है? वो मैं ही हूँ। अच्छा, तो आपका ये नाम किसने रखा है? और कौन रखेगा, मेरे माँ बाप ने रखा था। आपके पैदा होने से पहले रखा था क्या नाम? अबे ये क्या बकवास सवाल है, पैदा होने से पहले कोई नाम रखता है क्या? पैदा होने के बाद ही नाम रखा था। आपकी माँ बाप की आँखें नहीं थी क्या? क्या हुआ बे, क्या बात है? कोयले जैसे काले आदमी का नाम गोरा स्वामी रख दिया उन्होंने। अरे चुपचाप पतली गली पकड़, वरना मार मार के सर फोड़ दूंगा। भाई ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे ये क्या, आज पता नहीं ये कौन सा प्लान करके आया है। आओ भाई आओ, क्या पियोगे बताओ? एक कप दूध दो भाई। लेकिन भाई पहले तो तुम चाय पीते हो, आज दूध क्यों पी रहे हो? ये क्या है, आजकल ना चाय पत्ती बहुत खराब आ रहा है। खराब चाय पत्ती पिएगा ना तो तबीयत भी खराब होएगा, इसीलिए चाय पीना बंद किया। हाँ ठीक है, ये बात भी सही है। ये लो, ये लो तुम्हारे दूध का ग्लास, ये लो। आ जाओ यहाँ बैठो। एक चाइनीज दूध। हाँ अभी बनाता हूँ, अभी बनाता हूँ। ये चाइना टी बोलकर दूध क्यों दे रहा है? उसके लिए चाय और आपके लिए चाइनीज दूध, ये रहा। ये क्या है? दूध है। और ये चाइनीज चाय है। एक बात बताओ, ये चाइनीज चाय और ये दूध दोनों एक जैसा क्यों लग रहा है बताओ? देखो ये दोनों एक ही है, सिर्फ इन दोनों का नाम अलग अलग है। ये हम दोनों को बेवकूफ बना रहा है, ये चाइनीज चाय नहीं है, ये दूध है। दूध है? नाम बदल के देश बदल के दूध बदलता है। तेरी तो, तू क्यों रो रहा है भाई, क्या हुआ बोल? अरे हुआ क्या? अरे ये फिर शुरू हो गया, चलना यार। अरे रो मत रो मत,
मैं सुबह के 8 बजे से यहाँ बैठा हूँ और अब 10 बज रहे हैं। इसने एक बार भी क्या चाहिए मुझे नहीं पूछा। आने जाने वाले को चाय चाहिए, दूध चाहिए, चाइना टी चाहिए करके पूछता रहा। को जो देना था वो दे दिया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया। मुझे एक बार भी नहीं पूछा इसने। अरे मेरी पत्नी ने 10 रुपए दिए और मुझे कहा कि तुम जाकर इसकी दुकान पर चाय पीना और मैं खेत में जाकर काम करूंगी। अगर मैं वहां जाता तो मुझे 200-300 रुपए मिल जाते, मेरा रोज का खर्चा पानी निकल जाता। आज ये फिर मुझसे पैसा लूटेगा क्या? अब मैं क्या करूं भाई हो? अगर मैं पैसे लेकर घर में गया तो मेरी पत्नी मेरी चमड़ी उधेड़ देगी, मुझे जान से मार देगी। अरे कोई मुझे पैसे दिलवाओ। अरे भाई तू कुछ करना, मुझे पैसे दिलवा इससे। क्या भाई, दुकान में कोई कस्टमर आए तो उसे पूछना चाहिए ना। अरे ये कस्टमर नहीं है, ये मुझे कष्ट देता है। ग्राहक से कोई ऐसे बात करता है क्या? तो तुम ही बता दो दुकान वाले कैसे बात करते हैं। देखो इसके सारे प्रश्नों का तुम उत्तर दो। उत्तर निकालो, पैसे निकालो जल्दी। अरे भाई थोड़ी मेहनत करो, किसी को ऐसे फोकट में मत लूटो। अगर तुम जैसे लोग रोज मिलेंगे ना तो हमें काम करने की जरूरत नहीं। अरे चलो भाई, चलो चल चल, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम लोगों को मेहनत करना नहीं सिर्फ लूटना आता है, लूटना। देखो हमारे प्लान के मुताबिक वो निकल चुका है, हमें होशियार रहना चाहिए। पुलिस आ रही है। पुलिस। अरे यार सिंगापुर में कौए नहीं होते। वहाँ नहीं होते लेकिन यहाँ तो है ना। ए, तुम लोग यहाँ पर मस्ती कर रहे हो? ऐसा नहीं है सर। तो फिर यहाँ पर क्यों? गन्ने खरीदने आए हैं सर। ये तो अभी छोटे हैं। एडवांस बुकिंग सर। ये बताओ कहाँ पढ़ते हो तुम लोग? देखकर नहीं पता चल रहा, मेडिकल कॉलेज। सोच में पड़ गए हो, कंफ्यूज हो गए हो क्या? कुछ नहीं, ये हार्ट ऑपरेशन किडनी ऑपरेशन करना जानते हो क्या? आपको पता नहीं है? अच्छा ये लोग बताएंगी। सर हम एक बॉडी की किडनी को दूसरे में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और उसी बॉडी के हार्ट को दूसरे बॉडी में सेट कर सकते हैं। कंफर्म ना? सर आप कहें तो आपकी किडनी दोबारा इंस्टॉल कर दे। सर मुझे ये जगह ठीक नहीं लगती, हमें यहाँ से चलना चाहिए सर। मेरा किडनी हार्ट सब कुछ ठीक है, कहीं ये मेरे सही पार्ट्स लेकर गलत पार्ट्स ना डाल दे। चलिए सर निकलिए यहाँ से। ए भाई, ओ मेरे भाई। क्या हुआ यार? क्या यार, अभी सपने देख रहा है क्या? नहीं यार, मैं सपने में जी चुका हूं, मेरी शादी भी हो चुकी है। माधवी को मैं भूल नहीं पा रहा हूं यार, ना वो प्यार का इजहार कर पाई और ना ही मैं कर पाया, फिर भी ऐसा लग रहा है कि उसके साथ जन्मों जन्मों का रिश्ता है। तुम 6 दोस्त नहीं होते तो मैं कब का मर चुका होता। मेरे लिए स्वाति जो कर रही है उसमें उसका प्यार छुपा हुआ है, लेकिन मेरे दिल में माधवी बसी हुई है। दूसरी तरफ स्वाति मुझसे प्यार करने लगी है। मैं क्या करूं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन यह सच है कि माधवी मेरे दिल में बसी हुई है। स्वाति को मैं अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त मानता हूं, मरते दम तक मैं उसे बेस्ट फ्रेंड मानता रहूंगा। माँ बाप हमारी पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत करते हैं और हम लोग प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं और उसका कोई मतलब नहीं निकलता। अब देखना कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई। जाने दे। अब बस बहुत हो गया संजय। सर अभी तक आपने हमारी मदद की, एक बार और कर दीजिए सर, तभी मेरी माधवी की आत्मा को शांति मिलेगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको 4 परिवार की दुआएं मिलेंगी। दुआ मिलने से पहले हम जेल में होंगे, पुलिस का दबाव बढ़ता जा रहा है, अगर मैं फंस गया तो बर्बाद हो जाऊंगा, हॉस्पिटल भी डूब जाएगा। सिर्फ एक बार और कर दीजिए सर, इसके बाद मैं आपको दोबारा डिस्टर्ब नहीं करूंगा सर। भले ही मेरी जान चली जाए पर आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा सर।
ठीक है संजय, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ। जगन, हमने प्लान बनाकर तीनों शैतानों को खत्म किया और उनकी किडनियां निकाल कर ऐसे लोगों को दान में दे दिया जिनको उसकी जरूरत थी। अब चौथा शैतान बचा है, उसको खत्म करके उसकी भी किडनी निकाल लेंगे। और मेरा एक दोस्त है जिसको उसकी जरूरत है, उसे किडनी दे देंगे। अच्छा आदमी है, उसका नाम सुबोध है। उसकी जान भी बच जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। वो एक बहुत ही अच्छा आदमी है, लोगों की मदद करते रहता है। हमारे डॉक्टर ने जैसा बताया हम उसे वैसे ही खत्म करेंगे। अब इस चौथे को मारकर हम उसकी किडनी निकाल लेंगे और उसको दे देंगे। इस तरह कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और उसकी जान भी बच जाएगी। लेकिन इस सब में पुलिस का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि पुलिस बहुत ही सतर्क हो चुकी है। इस तरह हम अपने प्लान को सक्सेस कर लेंगे। हमारा प्लान पूरा होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे, किसी पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। जैसा कि मैंने कहा था, अगर कोई भूल हो गई तो मैं खुद को सरेंडर कर दूंगा। समझ गया ना? ठीक है, ठीक है, चलो। वो पुलिस वाला कहाँ गया? बाथरूम गया सर। अरे यही कर लेना चाहिए था ना। वो कानून के खिलाफ है। कानून के खिलाफ है? लगता है तो फिल्म वगैरह ज्यादा देखता है, कहीं तो डुप्लीकेट पुलिस वाला तो नहीं है। ए, देर हो गई, देर हो गई, देर हो गई। अरे बाप रे, वो आदमी ऐसे क्यों भागा? लेट हुआ इसलिए भागा। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी जान लेकर भाग गया वो। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या है? ए, जाके पूछो ना क्या है। क्या हो रहा है? दवा बेचने वाला आया है सर। दवा बेचने वाला? ये तो भैंस बेचने वाला लग रहा है। कौन सी दवा है? टेंशन कम करने वाली दवाई। टेंशन कम करने वाली दवा है? मुझे तो बहुत टेंशन है, हा? इसकी दवा लेकर देखते हैं। ए भाई, जरा यहाँ आकर विस्तार में बताना, विस्तार में बता। एक टेंशन को खत्म करके, दूसरी को खत्म करके, तीसरी भी खत्म करके, अब चौथी की बारी है। ये तू क्या कह रहा है? पहली नजरों का मिलना, दूसरी चाहत, तीसरा प्यार, और आखिर में। आखिर में क्या? टेंशन। अच्छा टेंशन कह रहा है, मैं तो डर ही गया था। अच्छा ये बता, दाम कितना है? जो मन करे दे दो आप। असर तो होगा ना? पहले इस्तेमाल तो करो। लो। ये कैसे खाना है? चाय में लू या पानी में लू? हाँ, मुंह में डालकर चबाना है, बस चबाना है। चबाने से असर हो जाएगा क्या? अरे बाप रे, मुझे तेरी दवा नहीं चाहिए, लेकर जाइए, लेकर जा, ले लो ना, ले लो, लेकर जाइए, जा जा। बाप रे, बच गया मैं। हो सकता है दवा में जहर मिला हो। ये पुलिस वाले भी इधर ही खड़े हैं। तू तो हमेशा टेंशन में लगता था, लेकिन अब तो मस्ती की मूड में है। टेंशन कम करने की एक दवा है मेरे पास। कहना क्या चाहता है? टेंशन को कम करने के लिए दिमाग को एकदम हल्का छोड़ने का। टेंशन अगर खत्म करना चाहते हो तो पहले एक को खत्म करके, दूसरे को खत्म करके, फिर तीसरे को खत्म करके, और उसके बाद सारा टेंशन खत्म। वो कैसे? हाँ, पहला गुस्सा, दूसरी चाहत, तीसरा प्यार, और आखिर में। क्या बात है साहब जी? ये लोग कहीं खड़े हैं। अच्छा है देख नहीं रहे। ये क्या, गले में कुछ भी नहीं पहना है? आप ला के देंगे तो मना थोड़ी ना करूंगी। तो जो मैं कहूंगा मानोगी क्या? जो नहीं कहोगे वो भी। जो नहीं कहूंगा वो भी करोगी ना? पहली बार उसने किसी लड़की का इस्तेमाल किया। ए, जा जा जा, अपना काम कर। इतना ही? जल्दी से काम खत्म कर और निकल यहाँ से। मैं भी कितना पागल हूँ, कंट्रोल ही नहीं कर पाता। लगता है मेरी हरकतों को देख लिया उन्होंने, इसलिए घूर रहे हैं मुझे। ए, ऐसे क्या देख रहे हो? सर ने कहा देखते रहना, देख रहा हूँ। ए, स्प्रे क्यों मारी हो? अरे
कीड़े की दवाई है। कीड़े की दवाई मारने से मर गया। ए मुंह पर स्प्रे वगैरह मत मार, जा यहाँ से, जा 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 अंदर जा। ये इतना क्यों डर रहे हैं? नौकरानी को काम पर रखकर गलती हो गई मुझसे। बाप रे। उल्टा पेपर पढ़ना छोड़कर जूस पी लीजिए साहब, ये आपके लिए लेकर आई हूँ, पीजिए, आपकी टेंशन कम हो जाएगी। पीले पीले अच्छे से पीले, फिर मैं देखती हूँ। पढ़ ले, देखती हूँ कितना पढ़ेगा। कुछ भी पढ़ने से टेंशन नहीं जाता। टेंशन है? बाप रे, अचानक पेट में गड़बड़ क्यों हो रही है? काम वाली ने जूस में कुछ डाल तो नहीं दिया था? अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्या, अरे बाप रे, क्या करूं मैं? बाप रे, ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, क्या हुआ सर? डॉक्टरानी ने जहर डाल दिया है, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, फोन करो उसे। अरे बाप रे, मर गया मैं। अंदर दूसरा शर्ट है लेकर। मर गया। हेलो डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर को फोन लगाया है? नहीं लगाया सर, आ रहा है। साहब आ गए डॉक्टर साहब। मर गया। अरे डॉक्टर साहब जल्दी कुछ कीजिए ना। थोड़ा शांत रहिए, थोड़ी शांत रखिए। मर गया, बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर, इधर बहुत दर्द हो रहा है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, जल्दी कीजिए डॉक्टर, बचाइए मुझे। अरे बाप रे, मैं क्या, आपने क्या खाया था? दो दिन से कुछ नहीं खाया, सिर्फ जूस पिया अभी मैंने। खाना सही समय पर नहीं लेने से फूड पॉइजन हो गया है। क्या कहा, पॉइजन हो गया है? आप चिंता मत करो, एक इंजेक्शन देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। और तीसरे को उसने इंजेक्शन लगा के मारा। सुई लगाओगे? नहीं नहीं, कुछ दवाई दे दो। नहीं वो भी नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, मुझे छोड़ दो, अकेला छोड़ दो। इसका इलाज किसी जड़ी बूटी बेचने वाले से करवाओ। जाओ जाओ, वही इसका इलाज ठीक से करेगा। डॉक्टर बुलाना पड़ेगा लगता है। आप अपने डॉक्टर को फोन कर लीजिए। अरे बाप रे, नौकरानी ने जहर दे दिया, अब खुद ही मेडिकल से दवा मंगाता हूँ। हेलो माधव मेडिकल सर, फूड पॉइजन की गोली भेज दीजिए सर। हाँ सर, हाँ सर। अरे बाप, हॉस्पिटल से आया हूँ सर, मेडिकल चेकअप के लिए आया सर। उसे ठीक से चेक कर मेरे भाई। ठीक है सर। अरे बाप रे, चाहिए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। आप कौन? मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं। मैं उसके चाचा का लड़का हूँ, कल ही ज्वाइन किया है। ऐसा है क्या? चलिए सर, चेकअप करता हूँ। सर बहुत दर्द हो रहा है सर, पेट सब ठीक हो जाएगा, आइए। अरे बाप रे, हाँ बोलिए सर। कोई नया आदमी दिखाई दिया क्या वहाँ? हाँ कोई नया डॉक्टर आया है सर। उसे आए कितनी देर हो गई है? आधा घंटा हो गया। देने में इतना देर लगता है, जाके देखो उसे क्या कर रहा है वो। ठीक है सर, जल्दी जाओ। एए, कहां गए वो लोग? अंदर गए सर। सर अंदर कोई नहीं है सर। क्या बकवास कर रहे हो? जाओ जल्दी ढूंढो उसे, जाओ। ये मैं कहाँ हूँ? तू कौन है? ए, मुझे बांध के क्यों रखा है यहाँ? तुझे ऊपर भेजूंगा। मुझे ऊपर भेजेगा? ए, मैं अकेला नहीं हूँ। ए, तू मुझे जानता नहीं, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। ए, ए, चढ़ा। अरे बाप रे।
ये क्या कर रहा है? छोड़ मुझे, छोड़। मर गया। ए, मैं कौन हूँ पता है तुझे? मेरी पहुंच कहाँ तक है पता है? मेरे पीछे कितने लोग हैं तुझे पता है क्या? हाँ, ए सीधी तरह मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। ए, क्या है यार, ये बहुत बकवास कर रहा है। प्रकाश चालू हो जा। ए, 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 क्या कर रहा है? प्रकाश रुक जा, रुक जा, रुक जा, लगता है कुछ बाकी है। जगन वो मिर्ची का पाउडर लाना। अच्छा ठीक है। दे दो उसे। प्रकाश ये मिर्ची पाउडर है ना, इसके हाथ में धीरे धीरे डालना। चलो शुरू हो जाओ। नहीं नहीं ऐसा मत करना। मर गया, मर गया, छोड़ दो मुझे। अरे माँ कह रहा है, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया वो भी तो लड़की थी ना। बाप रे, छोड़ दे मुझे। ये बात तो मैंने तुझे पहले कही थी, याद नहीं है क्या प्रकाश? मर गया क्या? हाँ मर गया। चार खून की वजह से 40 परिवार को खुशी मिली होगी, भले तुमने भलाई में किया हो, लेकिन ये गुनाह है, इसलिए कानून की नजर में तुम गुनाहगार हो।